AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ये कह दिया कि देश में NRC को लागू करने की दिशा में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR पहला कदम है। ओवैसी ने कहा कि वो लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक NPR करने जा रहे हैं, तो क्या ये NRC से जुड़ा हुआ नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मेरा नाम संसद में लिया और कहा ओवैसी जी NRC को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अमित शाह साहब, जिस वक्त तक सूरज पूर्व दिशा से उगता रहेगा हम सोच बोलते रहेंगे। NRC के लिए पहला कदम है NPR। जब अप्रैल 2020 में NPR पूरा हो जाएगा अधिकारी डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछेंगे, फिर आखिरी लिस्ट NRC में आएगी। मंगलवार को ही एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि NPR का NRC से कोई लेना देना नहीं। ओवैसी का तंज सामने आया। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर ओवैसी जी के रुख से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। अगर हम कहते हैं कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है तो ओवैसी साहब कहेंगे कि ये पश्चिम से उगता है, लेकिन मैं ओवैसी जी को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि NPR पूरी तरह से NRC से अलग है और ये दोनों आपस में बिल्कुल नहीं जुड़े। गृह मंत्री ने कहा कि NPR और NRC के बीच मूलभूत अंतर, NPR जनसंख्या का रजिस्टर, इसके आधार पर अलग अलग सरकारी योजनाएं बनती, लेकिन NRC में हर व्यक्ति के दस्तावेज मांगा जाता है कि आप किस आधार पर भारत के नागरिक। NPR में कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। अगर कोई जानकारी मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें आधार कार्ड की जानकारी देने का प्रावधान है। किसी के पास आधार है तो नंबर देने में हर्ज क्या है? NPR का कोई डेटा NRC के प्रयोग में आ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम NPR से गायब है तो भी उसकी नागरिकता को खतरा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ओवैसी और अमित शाह की जुबानी जंग एक बार फिर देखने को मिलने वाली है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।